कौन है जगन्नाथ का बेटा? पीएम मोदी ने इशारों में किसका दे दिया नाम? ओडिशा में पीएम मोदी करने जा रहे हैं 2 यज्ञ, विपक्ष के नाम की देंगे आहुति। पीएम मोदी बोले, मैं एडवांस में आपको मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूँ। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी ने आज यानी सोमवार को ओडिशा के बरहमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा को जल्द ही पहली बार डबल इंजन सरकार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेडी नेताओं ने ओडिशा को लूटा। ओडिशा को पहले कांग्रेस ने और फिर बीजेडी नेता ने लूटा। उन्होंने कहा, दिल्ली में जो भगवान जगन्नाथ का जो बेटा बैठा है ना, वह जरूर काम करेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा में इस बार 2 यज्ञ एक साथ हो रहे हैं। एक यज्ञ देश में हिंदुस्तान में मजबूत सरकार बनाने के लिए है और दूसरा यज्ञ ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार बनाने का है। मैं आज ओडिशा भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओडिशा भाजपा ने ओडिशा की आकांक्षाओं को, यहाँ के युवा सपनों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की बहन बेटियों के सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत ही विजनरी संकल्प पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप जानते हैं कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए यहाँ सरकार बनाने के बाद हम पूरी शक्ति से संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं पर अमल करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। 4 जून पर यहाँ की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। आज 6 मई है, 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मैं आज सबको भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री की शपथ समारोह के लिए आमंत्रण देने आया हूं। उन्होंने कहा, ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग भाजपा पर आश्वस्त हैं और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए ओडिशा को दिए, वो पैसे यहाँ की सरकार सही से खर्च नहीं कर पाई। मोदी गांव में सड़कें बनाने के लिए पैसा भेजता है, लेकिन यहाँ के गांव में सड़कों की हालत खराब है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल के लिए पैसे भेजता है, लेकिन बीजेडी सरकार इस योजना पर भी अपना फोटो चिपका देती है। आज ओडिशा में जो सरकार है उसे महिलाओं के हितों में कोई परवाह नहीं है। केंद्र सरकार हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ओडिशा सरकार ने इतनी महत्वपूर्ण और पवित्र योजना पर भी ताला लगा दिया है।